और SST OBC को हकाधिकार जो दिए थे वो आज ख़त्म करने की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो हम इसको ख़त्म होने नहीं देंगे, चाहे हमारी जान भी जाए। EVM को हटाना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए, क्योंकि जहां EVM बनती है वहां पर बैलेट पेपर से चुनाव होता है, इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ है। जैसे कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करें, जैसे कि हमारे संविधान की प्रस्तावना के अंदर ही लिखा हुआ कि हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, और ये एक तरफ बात कर रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, एक तरफ बात कर रहे हैं कि हम चंद्रमा पर चंद्रयान 3 भेज रहे हैं, दूसरी तरफ हमको परंपराओं में फिर से लेके जा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जा रहे हैं। कुछ नकारात्मक मानसिकता के लोगों की विचारधारा हो सकती है, ये पूरे भारतीय जनमानस की विचारधारा नहीं हो सकती है। हम इसका कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए हैं, उसका सीधा सा एक मतलब ये है कि जिन लोगों के पास पैसा है वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, जिनके पास पैसा नहीं है वो अपने बच्चों को ना पढ़ाएं। जनता जो है अब गुमराह करने वाली नहीं रह गई। हिंदू मुस्लिम हुआ फिर ये कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम हम भाईचारा हैं, हमारा भाईचारा है भाई। क्या हमारे अंग्रेजों से लड़ाई हुई, मुसलमान भाई नहीं लड़ा? दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं दस्ती इंडिया, और इस समय मैं हरदोई में एक गांव है काला आम बगिया। संविधान बचाने का आंदोलन जो है नरेश राज जी के द्वारा यहां पर हुआ, जिसमें उदित राज जी आए हुए थे। क्या कहेंगे, इतना बड़ा संघर्ष आप कर रहे हैं। आज का जो माहौल है बहुत बेकार माहौल बना रखा सरकार ने, कि संविधान जो है कि बाबा साहब ने बहुत मेहनत से जो बनाया था, और SST OBC को हकाधिकार जो दिए थे वो आज ख़त्म करने की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो हम इसको ख़त्म होने नहीं देंगे, चाहे हमारी जान भी जाए। और हमारे लोग जो है वो तैयार हैं इस चीज़ के लिए, और आपको सबूत भी आज मिल गया है कि तैयारी भी हम लोग करें, और 5 नवंबर को लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश से हम लोग पहुँचेंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। लेकिन लगातार जो है लोकतंत्र को भी बता रहे हैं, लोकतंत्र भी अब खतरे के उस पर है। लोकतंत्र खतरे पे इसलिए है क्योंकि EVM जो है उसमें गड़बड़ है। EVM को हटाना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए, क्योंकि जहां EVM बनती है वहां पर बैलेट पेपर से चुनाव होता है, इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ है। जी, तो क्या कहेंगे, अभी जो अभी चुनाव उपचुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश में, और उसमें गठबंधन का जीता है, कैसे देखें? मैं इसे इस रूप में देखता हूँ कि जो SC ST OBC और जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं जागरूक हो रहे हैं, और जो प्रगतिशील के भी लोग हैं, जो प्रगतिशील विचारधारा में विश्वास रखते हैं, वो सब जागरूक होकर के एक तानाशाही और एक कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाली सरकार के विरुद्ध में, ये उनका आह्वान है। और कट्टरपंथ कैसे है? कट्टरपंथ जैसे कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करें, जैसे कि हमारे संविधान की प्रस्तावना के अंदर ही लिखा हुआ कि हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, और ये एक तरफ बात कर रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, एक तरफ बात कर रहे हैं कि हम चंद्रमा पर चंद्रयान 3 भेज रहे हैं, दूसरी तरफ हमको परंपराओं में फिर से लेके जा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जा रहे हैं, तो एक तरीके का कट्टरपंथ ही है। तो वो तो कह रहे हैं ना, सारे के सारे हिंदू हो जाएंगे, कोई जात पात नहीं रहेगा। देखिए, हिंदू हो जाएंगे, हिंदू धर्म की जो मूल आस्था है या कहने जो उसका आधार है, वो जाति के बिना वो टिक ही नहीं सकता है। तो जब हम हिंदू की बात करते हैं तो उसका मतलब है जाति और वर्ण व्यवस्था उसमें ऑलरेडी समावेशित है। तो हमारा मानना ये है कि ये फिर जब हमने हमारे संविधानवेत्ताओं ने जब इस संविधान का निर्माण किया था, तो उनकी जो इतना जो उनका संघर्ष था, अगर उनको हिंदू राष्ट्र बनाना होता तो उस समय बना दिए होते। आज ये बात 70-75 साल बाद कही जा रही है, ये एक दूषित मानसिकता का भी एक प्रचारक है, एक परिचायक है, और हम ऐसी दूषित मानसिकता का विरोध करते हैं। और हमारा ये मानना है कि हम इस देश को धर्मनिरपेक्ष ही रखना चाहते हैं, धर्मनिरपेक्ष ही रहेगा। ये खाली चुनावी लीजिए या जो कुछ नकारात्मक मानसिकता के लोगों की विचारधारा हो सकती है, ये पूरे भारतीय जनमानस की विचारधारा नहीं हो सकती है। हम इसका कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। प्रोफेसर साहब, भी G20 हो रहा है, पूरा देश गौरव की बात है, हमारा जो देश है मेहमानी कर रहा है G20 की। जर्मनी ने भी की थी, 17-18 में जर्मनी ने की थी, उनका जो खर्च आया था 600 करोड़ खर्च आया था उनका। लेकिन अभी जो पता लगा है यहाँ पर इंडिया में, जो अभी G20 का जो सम्मेलन हो रहा है, उसमें 4,600 करोड़ रुपए खर्च हुआ है टोटल। सोने और चांदी के बर्तनों में जो है खाना खिलाया जा रहा है मेहमानों को, 80 करोड़ लोगों को जो है 5-5 किलो राशन दिया जा रहा है, तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये बिल्कुल ही अनावश्यक फिजूल खर्ची है, और सरकार को ये सब बातें सोचनी चाहिए। एक तरफ आप यही नहीं, मैं एक आपको रिसेंट का मुद्दा बताऊँगा कि एक सड़क बनाई गई है, और द्वारका में एक सड़क बनाई गई है जिसकी कीमत 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर आंकी गई थी, 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर कैक की रिपोर्ट में बताया गया है। तो आप समझ लीजिए, इतना जमीन आसमान का। तो ये सरकार बेसिकली टेलीविज़न PR टीम बनाना, टेलीविज़नों पे दिखाना, प्रचार करना, ये सरकार का उद्देश्य रहता है। देखिए किस तरीके से मीडिया अपनी तरीके से
किया हुआ, बड़े बड़ी बहुत ही एक छोटे छोटे जो यूट्यूबर बने हुए हैं वही इस देश के लोकतंत्र को चला रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये जितनी भी सरकार की मंशाएं हैं, जितना भी फिजूल खर्च है, आप इतना बड़ा प्रोग्राम करें, बहुत अच्छी बात है कि जी हमें G20 की मेज़बानी मिल रही, बहुत खुशी की बात भी है। लेकिन उसके साथ साथ हमें देखना चाहिए, जब आप विश्वगुरु की बनाने की बात कर रहे हैं, आप देश में एक और देश को बना रहे हैं, देश की शिक्षा व्यवस्था डाल कर रहे हैं, कह रहे हैं देश को विश्वगुरु बनाएंगे, तो बेसिकली ये सरकार का प्रोपेगेंडा है। जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए हैं उसका सीधा से एक मतलब ये है कि जिन लोगों के पास पैसा है वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, जिनके पास पैसा नहीं है वो अपने बच्चों को ना पढ़ाएं। एक राष्ट्र एक चुनाव पे क्या कहेंगे नरेश जी? एक राष्ट्र एक चुनाव जो है उसको जी देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव पे मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए इससे क्या होगा, जो हमारे देश की संस्कृति के जो बहुसंस्कृतिकरण है उसमें बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हर राज्य की हर एक कुछ विशेष परिस्थितियाँ, कुछ विशेष एस्पिरेशंस होती हैं जिनको वो एक चुनाव के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये हो गया कि एक सिर्फ सभी पार्टियों को विनाश हो जाएगा। और सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सामाजिक न्याय की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ही नकारात्मक प्रभाव लाएगा, क्योंकि हमारी जो मार्जिलाइज सेक्शन है भारत का ऑलरेडी हाशिए पर है। बहुजन इस बार जो है बहुत बड़ा बदलाव करने वाला है और मोदी जी को पूरी तरीके से हटाएगा, और हम लोग बराबर लगे हुए हैं। हमारे भाई साहब हैं नरेंद्र दादा जी, गांव-गांव जाकर के कार्यक्रम करते रहते हैं और समाज के बीच में उनके हक अधिकार के लिए बराबर कंटिन्यू संघर्ष कर रहे हैं, और इनका हम सब लोगों का संघर्ष बेकाम नहीं जाएगा, और जो है हम लोग आखिरी सांस तक संघर्ष करेंगे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है उसको, संविधान को किसी भी हालत में ख़त्म नहीं होने देंगे जी। तो देखिए गांव में लगातार जो है जन जागृति चल रही है, ऐसे में क्या नाम है सर आपका? नरेंद्र। नरेंद्र जी हैं, नरेंद्र दादा इनको प्यार से बोलते हैं लोग। तो नरेंद्र जी, गांव में इस समय क्या माहौल है 24 को लेकर? हम लोग जैसे अंग्रेज बजा के रहे, बजा दी बीजेपी तैयारी है बिल्कुल। ये संविधान हटाना नहीं चाहते, ये खुद हटने जा रहे हैं, और इनका दोबारा आना भी इस देश में असंभव है। देखिए जी जी, हाँ, और जनता जो है अब गुमराह करने वाली नहीं रह गई। हिंदू मुस्लिम हुआ फिर? ये कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम हम भाईचारा हैं, हमारा भाईचारा है भाई। क्या हमारे अंग्रेजों से लड़ाई हुई, मुसलमान भाई नहीं लड़ा? कहीं ना कहीं देखिए, गांव के दूर दराज के इलाकों में जब हम पहुंचते हैं तो वहां की ज़मीनी हकीकत को हम जान पाते हैं, और ज़मीनी हकीकत यही है, लगातार ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। और पेरियार फूले अम्बेडकर की जो विचारधारा है, जो बहुजन समाज में जन जागृति ला रही है, और आज वही जन जागृति है, वही महापुरुषों का जो लेख है जिसको पढ़कर उनके अंदर जागृति आई है, आज वही लेख है, और इसी लेखों की वजह से, उन आर्टिकलों की वजह से, उन किताबों की वजह से, उस ज्ञान की वजह से आज मनुवादी डरते हैं। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।